वेलकम टू माय चैनल। आज हम फाइकस के प्लांट पे बात करेंगे। फाइकस का प्लांट जो है वो बहुत अच्छा होता है, इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल होता है, एवरग्रीन होता है और थोड़ा सा हॉटली भी होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरा गोल्डन फाइकस का प्लांट है। इसके अलावा इसकी बहुत और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। इसके शेप थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है। इसके लीव्स की शेप जो है वो हर वैरायटी की अपनी होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसका कलर भी चेंज होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने जो है वो पॉट के अंदर लगाया हुआ है। और इसकी ख़ास बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये पॉट के अंदर भी बिल्कुल जो है वो ट्री का लुक देता है। ये देखिए, जब ये थोड़ा सा भी बड़ा होने लगता है तो ये खुद ब खुद जो है वो हमें ट्री का सा लुक देने लगता है। मैंने इसकी अभी कोई कटिंग नहीं की है, जस्ट मैं इसकी पिंचिंग करती हूँ, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बुशी हो गया है। और ये देखिए, बिल्कुल ट्री की सी जो है इसकी शेप हो गई है। अगर ये प्लांट हम ज़मीन के अंदर लगाएं तो ये पूरा ट्री बन जाता है। आपने बाज़ों का देखा होगा रोड के किनारों पर, और जगह जगह ये बहुत कॉमन लगा हुआ होता है और इसकी मुख्तलिफ शेप के अंदर कटिंग भी हुई भी होती है। मेरे पास इसके अलावा और भी दो फाइकस के प्लांट की वराइटीज़ हैं जो मैंने जो है ज़मीन में लगाई हुई हैं। अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी, लेकिन क्योंकि अभी हम पॉट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी केयर बता दूँ। तो जब हम कोई भी प्लांट पॉट के अंदर लगाते हैं तो उसकी थोड़ी सी केयर जो है वो हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। वैसे तो आप इसको फुल टाइम सनलाइट के अंदर रख सकते हैं, लेकिन अगर हमने पॉट में लगाया हुआ है और उसकी ये वाली वैरायटी है गोल्डन फाइकस, तो इसको जो है आप सिर्फ 1 से 2 घंटे की सनलाइट के अंदर रखें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी सनलाइट के अंदर नहीं रखें तो भी ये ख़राब होने लगेगा, और ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे तो भी ये ख़राब होने लगेगा। बस नॉर्मल रहनी चाहिए, 1 से 2 घंटे की सनलाइट या 1 घंटे की भी बहुत है इसके लिए। इसके अलावा आप जो है वेल ड्रेन सॉइल रखिएगा, पानी इसमें बिल्कुल भी जमा नहीं होना चाहिए, वरना हमारे रूट्स जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। और इसको जो है वो कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, आप ना भी डालें, सिर्फ जो है वो इसकी सॉइल जब फर्स्ट टाइम लगाएं तो अच्छे से बना लें, और फिर एक दफ़ा जो है 3-4 मंथ के अंदर गोबर की खाद जो है वो इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा एनपीके के फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लीजिए, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप जैसे कि देख रहे होंगे, ये इसकी लीव जो है वो झड़ते हैं और इसके अंदर गिरे हुए हैं, तो हम जो है इसको निकालेंगे नहीं, बल्कि इसके अंदर ही जो है वो गिरे रहने देंगे, कि इसी के अंदर इसके सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये हमारा प्लांट जो है बहुत कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। इसकी जब जो बस जो है स्टार्ट की ब्रांचेस जो है वो आप लेके कट करके और ना नए पॉट के अंदर लगा दीजिए, ये बहुत इजीली उसके अंदर ग्रो करने लगता है। अब मैं आप लोगों को जो ज़मीन में लगे हुए हैं अपने वो वाले फाइकस का प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक और फाइकस का प्लांट है, और ये भी एक नया फाइकस का प्लांट है, और आप लोग देख सकते होंगे ये जो है वो ज़मीन में लगा है और कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। बिल्कुल इसकी शेप जो है वो एक ट्री की तरह हमारी जो है वो हो गई। ये देखिए, यहाँ पे फुल टाइम जो है वो सनलाइट पड़ती है, लेकिन क्योंकि ये ज़मीन के अंदर लगा हुआ है तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। अब आप इसको किसी भी शेप के अंदर जो है वो कट कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।